नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो पुनः आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ मित्रों। और आज भी शेयर बाजार पर ही चर्चा करना है। आज एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ। नई जानकारी ये है मित्रों कि शेयर मार्केट में कंपनियों के बिजनेस में मर्जिंग और डिमर्जिंग का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में कई तरह की वैल्यू अनलॉकिंग होती है। कंपनियां काफ़ी मूल्यवान बन जाती हैं, कुछ की स्थिति खराब भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर प्रायः यह देखने में आता है कि ज़्यादातर कंपनियां अच्छी होती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जो मर्जिंग या डीमर्जिंग से उत्पन्न हुई हैं और जो आगे चल करके मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। ये कंपनियाँ अभी छोटी कंपनियाँ हैं मित्रों। इनके मैनेजमेंट द्वारा इस बिजनेस पर फोकस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को मर्ज या डिमर्ज किया गया है। तो जब मैनेजमेंट का फोकस होता है कंपनी पर तो जाहिर सी बात है कंपनी का बिजनेस भी बढ़ने की तरफ अग्रसर होता है। तो ऐसा ही है, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जो पहले नंबर पर कंपनी है मित्रों, एक बिरला समूह की कंपनी सीपी बिरला। आप देखेंगे तो आदित्य बिरला जो समूह है उसी समूह से संबंधित एक और उन्हीं के परिवार की ही है सीपी बिरला ग्रुप। उसकी कंपनी ने हाल ही मतलब 2 साल के लगभग होने जा रहा है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का शेयर है। बिरला सॉफ्टवेयर और केपीआईटी टेक्नोलॉजी दोनों में कई तरह का बिजनेस मर्जिंग डिमर्जिंग हुआ जिससे उत्पन्न हुआ है केपीआईटी। अभी वर्तमान में यदि आप भाव देखेंगे कल यानी कि 7 सितंबर का भाव देखेंगे तो 83 पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटल 2275 का है। यानी अभी जो मार्केट कैपिटल है मित्रों बहुत कम है, 2275 करोड़। ये बहुत बड़ी कंपनी बनी थी, आईटी सेक्टर की कंपनी है। विशेषकर ये जो है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह जो बनने जा रहा है उसको ये सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन करेगी, जो भी आईटी सपोर्ट होता है वो भी काम करेगी और भी कई तरह का इसका बिजनेस है। मेरा मुख्य मकसद है कंपनी के बारे में बताना और बिजनेस के बारे में ब्रीफ करना और ये बताना कि भाई ये इस कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। दूसरी जो कंपनी है इसी समूह की एक और कंपनी बिरला साहब, ये भी उसी साल एक ही साथ मर्जिंग डिमर्जिंग से दोनों ही कंपनियां उत्पन्न हुई थी। इसको यदि आप भाव देखेंगे मित्रों तो कल के दिन इसका भाव है 163 रुपीज और मार्केट कैपिटल है 4523 करोड़। यह भी आईटी सेक्टर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से ही क्लियर है। ये भी अभी बहुत छोटी कंपनी है, आगे चल करके बड़ी कंपनी होने की क्षमता इसके अंदर है। सबसे बड़ी चीज़ मैनेजमेंट जब अच्छा होता है, मैनेजमेंट जब शानदार होता है तो जाहिर सी बात है बिजनेस तो बड़ा होना ही होना है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट का रोल सबसे बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट यदि अच्छा होता है तो खराब से खराब बिजनेस को खड़ा कर सकता है और यदि बिजनेस अच्छा हो तब तो बात ही अलग है। तो बिरला ग्रुप और सीपी बिरला ग्रुप इस मामले में बहुत ही शानदार है और पूरी उम्मीद है मित्रों कि यह जो कंपनी है आगे चल करके बड़ी कंपनियां बनेंगी है, बहुत ज़बरदस्त है। बिरला सॉफ्टवेयर और ये तो इधर पिछले कुछ या महीनों की देख लें तो बहुत बढ़िया इसने रिटर्न भी दिया हुआ है, लेकिन चूँकि मर्जिंग डिमर्जिंग के प्रोसेस के बाद बिजनेस और भी तेज़ी से ग्रो होने की उम्मीद है। तीसरा इसी सेगमेंट की, इसी प्रमोटर ग्रुप की एक और कंपनी है, वह है ओरियंट इलेक्ट्रिक। ओरियंट इलेक्ट्रिक जो बिजली के प्रोडक्ट बनाती है, पंखे बनाती है, ट्यूबलाइट CFL इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, पंखे ट्यूबलाइट वगैरह बनाती है, समझ सकते हैं मित्रों कि कितना इसका स्ट्रांग बिजनेस है। देखा जाए तो ये प्रोडक्ट हर घरों में यूज होता है, तो हर घरों में जब यूज होता है जाहिर सी बात है कि इसमें जो प्लेयर्स हैं हैवेल्स, पॉलीकैब, फिलिप्स तमाम तरह के इसमें पड़े हुए हैं, तो उसमें से इसका भी एक अच्छा खासा प्रेजेंस है, तो इसका भी बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा मित्रों। भाव है इस समय 192,
और मार्केट कैपिटल है 4,088 करोड़। यानी यह भी जो है अभी बहुत छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी ये भी बनेगी। मेरे इस वीडियो को शेयर करके रखिएगा मित्रों, याद रखिएगा इन सभी कंपनियों, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब बनने वाली हैं। चौथा एक और बहुत बढ़िया कंपनी है बोरोसिल, बोरोसिल जो है 154 रुपये पर ट्रेड कर रहा है 154 पर, और मार्केट कैपिटल है 1745 करोड़। बोरोसिल को जान लेते हैं मित्रों, हमें कभी भी जो शेयर चुनना चाहिए सबसे पहले बिजनेस फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट फोकस करना चाहिए, उसके बाद हमें कंपनी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बोरोसिल के जो प्रोडक्ट हैं वो विशेषकर आप देखिए किचन के प्रोडक्ट आते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो भी शीशे के प्रोडक्ट लेके आता है बोरोसिल का होगा, कांच के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, टिफिन आप देख लीजिए जो हॉट पॉट होता है, मतलब किचन में प्रयोग होने वाला वो है, गर्म पानी रखने का जो बोतल आता है वो बोरोसिल का होगा, ठंडे पानी रखने का वो भी बोरोसिल का आता है, टिफिन किचन में जो क्रॉकरी वगैरह का आइटम आते हैं, मीन्स कि इसका भी बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग बिजनेस है, प्रोडक्ट स्ट्रांग है, ब्रांड स्ट्रांग है। और ये भी 2 साल पहले अभी मर्ज डिमर्ज हुई थी, इसमें मर्ज डिमर्ज होने के बाद इसने बोरोसिल में जो है डेली यूज के प्रोडक्ट को ला दिए हैं, और एक और इसने कर दिया उसमें जो प्योर सोलर कांच के प्रोडक्ट को उसने कर दिया। तो इसमें भी 2 सेगमेंट थे, एक B2C सेगमेंट थे, एक B2B सेगमेंट थे, B2B और B2C, इसको बड़ा समझना बहुत जरूरी है मित्रों। B2B मतलब होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, और B2C मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। अब B2B में जो बोरोसिल का ग्लास वाला जो सोलर ग्लास बनाती है, वो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं जिसपे वो शीशे की प्लेट लगती है जो सनलाइट को प्रोटेक्ट करती है, वो बोरोसिल जो दूसरे रिन्यूएबल वाले में चला गया है उसमें चला गया है, और बोरोसिल जो B2C सेगमेंट है जो टिफिन किचन वगैरह सामान बनाते हैं वो बोरोसिल में आ गया है। तो मित्रों यह भी बहुत ही शानदार बिजनेस है, शानदार कंपनी है, मजबूत ब्रांड है, और आने वाले समय का बहुत बड़ा मेरा अपना मानना है कि मल्टी बैगर ये कंपनी रिटर्न दे सकती है यदि थोड़ा बहुत हम रिस्क लेने को तैयार होते हैं तो। पांचवा AB कैपिटल, AB कैपिटल का भाव देखेंगे तो 72 है, मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 17,524। AB कैपिटल एक ऐसी कंपनी है मित्रों जिसके बारे में इस तरह के सेगमेंट में AB कैपिटल के बारे में चर्चा न किया जाए तो बेमानी होगी। AB कैपिटल में पहली चीज तो मैनेजमेंट को समझते हैं, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, मैनेजमेंट को कोई प्रश्न नहीं है, बिजनेस को समझते हैं कि AB कैपिटल में 13-14 तरह का बिजनेस है, आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन, नॉर्मल जो लोन होता है वो, फिर आपको शेयर ट्रेडिंग का कारोबार, मतलब AMC, मल्टीपल प्रोडक्ट है, 13-14 बिजनेस है, और 13-14 बिजनेस मित्रों सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, AB कैपिटल के प्लेटफॉर्म पर। और अब आप इन कंपनियों को करके देखिए तो इसे AB कैपिटल का आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड है, अपने आप में एक बड़ा म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल इंश्योरेंस वो भी अपने आप में एक बड़ा है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये इसके समय थोड़ा सा दुर्दिन गुजर रहे हैं, हो सकता है कि शेयर और भी नीचे जाए, तो हमें इसकी मात्रा को और बढ़ाना है, धैर्यपूर्वक लंबे समय के लिए होल्ड करना है, घबराना नहीं है, यदि शेयर थका रहा है तो इंतज़ार करते, बल्कि लगातार इसमें SIP के माध्यम से इन शेयरों में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगला सेगमेंट का है पाँचवा जो शेयर है मित्रों वो भी है इसी ग्रुप के है, AB फैशन, AB फैशन को देखेंगे तो 137 पर ट्रेड कर रहा है,
और मार्केट कैपिटल है 11,861। ये भी फैशन की भी चर्चा तो की जाए तो बीमारी है मित्रों। ये भी फैशन मतलब आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसके अंदर मैनेजमेंट वही है, आदित्य बिरला का मैनेजमेंट है, तो कोई मैनेजमेंट में कोई प्रशिक्षण नहीं है। बिजनेस पर फोकस किया जाए, पेंटलून, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन जैसे कई मल्टीपल ब्रांड इसके अंदर है। और इसके फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत शानदार है, भारत में फैले हुए हैं इसका बिजनेस, तो ब्रांड बहुत शानदार है, बिजनेस बहुत शानदार है, अभी बहुत छोटे पर उपलब्ध है, आने वाले समय में बहुत बढ़िया ये भी कारोबार कर सकता है। छठे नंबर की एक और कंपनी है डिसमैन कार्बोजेन, डिसमैन कार्बोजेन 183 पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैपिटल है 2873। ये भी छोटी कंपनी है, फार्मा और एपीआई सेक्टर में है, केमिकल एपीआई सेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी कंपनी तो है ही। इसमें जो है मार्केट के जो दिग्गज निवेशक है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, इसमें अच्छा खासा स्टेक ले रखे हैं, वो भी बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बिजनेस इसका वो है। तो छह कंपनी हो गई। एक और कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, हालांकि वो कंपनी मर्जिंग डिमर्जिंग से उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन उसका बिजनेस जरूर मर्ज डिमर्ज किया गया है, वो कंपनी है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर लगभग 550 रुपये के भाव ब्याज पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैपिटल देखना पड़ेगा हमको। टाटा कंज्यूमर में टाटा, इसको पहले टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से जाना जाता था, इस समय टाटा कंज्यूमर के नाम से जाना जा रहा है, लगातार नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। और टाटा के जो फूड सेगमेंट का जो बिजनेस है, पूरा का पूरा बिजनेस इसमें आ गया है। पहले टाटा केमिकल से भी कई चीज़ें तोड़ के इसमें लाया गया, टाटा संपूर्ण ब्रांड, टाटा संपूर्ण ब्रांड से आपकी दालें आती हैं, चाय, इसका चाय का बिजनेस है, फिर इसके अंदर स्टारबक्स कॉफ़ी भी इसके अंदर आती है, फिर मतलब हिमालय के पानी का जो पानी आता है वो भी आता है, तो मल्टीपल मल्टीपल बिजनेस है मित्रों, हम बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है। प्योर एफएमसीजी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, बनेगी बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप का आप देखिए तो सबसे पहले टीसीएस था, टीसीएस के बाद इन्होंने किस पे ध्यान दिया, टाटा कंज्यूमर पर, और टाटा कंज्यूमर ने किस तरह से पिछले 1-1.5 सालों में देखिए वेल्थ क्रिएट करके दिया, और आगे भी बहुत तगड़ी वेल्थ क्रिएट करने की संभावना है। और इसी सेगमेंट में टाटा ग्रुप का ही एक और शेयर ले सकते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे अब धीरे धीरे ध्यान जा रहा है टाटा ग्रुप का, अगले 3 सालों में इस कंपनी को वो कर्ज मुक्त कराने की प्लान बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो कर्ज मुक्त बनाने की प्लान है वो उसके शेयर में भी दिखेगा, तो शेयर भी उसका भी शेयर बढ़ना तय है, तो टाटा मोटर्स को भी है। तो ये कंपनियां हैं मित्रों जो मर्जिंग डिमर्जिंग से उत्पन्न हुई है, अच्छी कंपनियां हैं, आप लोग निवेश करने से पहले अपना रिसर्च अवश्य करिए। मैंने इन कंपनियों में केवल ब्रीफ नॉलेज दिया है, ब्रीफ नॉलेज मीन्स भाव और मार्केट कैपिटल और थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। इसके अंदर मैंने इन कंपनियों के डेब्ट इक्विटी रेशियो, डिविडेंड, आरओसी, आरओई, एबिटा, प्रमोटर होल्डिंग, इन सब पॉइंट पे चर्चा नहीं किया है, क्योंकि इन सब पॉइंट की चर्चा करता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो छोटे से वीडियो में ज़्यादा जानकारी मैंने लेने के मकसद से, देने के मकसद से इस वीडियो को बनाया। तो उम्मीद है मित्रों ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर करिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।